वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बनारसी ब्लॉगर। गाइस, चूंकि मैं बनारस में रहता हूं और बनारस के कण कण में महादेव विराजमान है, गली गली में आपको महादेव के मंदिर मिल जाएंगे। ऐसे ही एक कड़ी को जोड़ते हुए आज मैं आपको लेके आया हूँ बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित कंदवा में, जहाँ की आपका कर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है। कर्मदेश्वर महादेव, ये जस्ट हमारे पीछे आप देख रहे हैं, करदम कुंड के नाम से ही जाना जाता है इसको। ये आप पीछे देखिए, कुंड है ये, ऋषि करदम के नाम से ही ये जो था कुंड का नाम पड़ा। कंदवा नाम के गांव में होने की वजह से इस नाम को कंदवा महादेव नाम से भी जाना जाता है। संभवतः काशी का सबसे पुराना मंदिर है। इसका निर्माण 12वीं सदी में हुआ था। इसे गढ़वाल के राजाओं ने बनवाया था। भारत में वैसे तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के मंदिर है, नागर शैली, वागर शैली और वैष्णव शैली के। कर्मदेश्वर मंदिर नागर स्थापत्य का बहुत सुंदर उदाहरण है। यह पंचरथ शैली में बना हुआ है, यानी मंदिर में एक ही प्लेटफॉर्म पर, चबूतरे पर कह सकते हैं आप, 5 अंग स्थापित हैं: गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, अंतराल, महामंडप और अर्धमंडपम का निर्माण किया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम रावण का वध करने के बाद अयोध्या वापस गए थे, तो उनके ऊपर जो है ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, और उस पाप को ख़त्म करने के लिए उनके जो ऋषि वशिष्ठ थे, उन्होंने उनको बताया कि काशी में एक कुंड है, कंदवा कुंड, उस कुंड में आप स्नान करिए, जिससे कि आपका जो है ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है वो दूर हो जाएगा। तो प्रभु श्री राम जो है वाराणसी में माता सीता के साथ आए और यहाँ पर स्नान करने के पश्चात महादेव के दर्शन किए, जिससे कि उनको ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली। गाइस, मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि मंदिर कैसा है, मंदिर का स्वरूप कैसा है, सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ये जस्ट आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये कुंड है, यही कंदवा कुंड है। इसी के किनारे पर बसा हुआ है महादेव का मंदिर, ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये मंदिर है। गाइस, थोड़ा धूप होने की वजह से साफ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बैक कैमरे से अपने दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मंदिर जो है, जो कि नागर शैली में बना हुआ है, बड़ा अद्भुत है। इसमें आपको खजुराहो का जो चीज़ें है मंदिर में, उन चीज़ों को भी देखने को आपको मिलता है। जो नक्काशीदार यहाँ पे बनी हुई है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस, नक्काशीदार जो मूर्तियों का निर्माण, कहीं ना कहीं हमको खजुराहो को भी याद दिलाती है, जो कि खजुराहो में भी जो भी गुफाएं हैं, जो भी मंदिर हैं, ऐसी नक्काशीदार होने की वजह से काफ़ी प्रचलित हैं। हम देख सकते हैं इस मूर्तियों पर वस्तुतः ब्रह्मा जी के, विष्णु जी के और अन्य देवी देवताओं के भी आपको चित्र लेखा मिल जाएंगे। काफ़ी पुराना मंदिर होने की वजह से और एक काफ़ी खूबसूरत भी दिखता है। बनारस में शायद ही ऐसे नक्काशीदार मूर्तियां कहीं आपको या मंदिर कहीं आपको देखने को मिले। गाइस, ये सिर्फ अभी आपने देखा हमारे बनारसी ब्लॉगर चैनल पे। तो गाइस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो प्लीज़ एक दफ़ा आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे जगहों को मैं आपको, विचित्र जगहों को और पौराणिक जगहों को मैं आपको अपने साथ दिखाता रहूं और घुमाता रहूं। गाइस, बने रहिए हमारे चैनल पे, आपको और भी चीज़ें दिखाता हूं यहाँ पे अपने कैमरे के माध्यम से। ये आपका मंदिर का मुख्य द्वार है। चूँकि मंदिर का मुख्य द्वार है पूर्व दिशा में है, और इस मंदिर के ठीक सामने आप देखिएगा ये कुंड है आपका, ये मुख्यतः मेन द्वार के सामने ही ये कुंड है। आपको मंदिर के अंदर में लिए चलता हूँ। हर हर महादेव, ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफी नक्काशीदार दोनों तरफ जो हैं स्तंभ बने हुए हैं, ये देखिए गाइस, बहुत ही खूबसूरत है। ये नागर शैली में जो भी बने हुए हैं आपके, काफी खूबसूरत देखने में लगते हैं, प्रतीत होते हैं। अगर आपने अभी तक दर्शन नहीं किया बनारस में होने के बावजूद, तो गाइस मैं आपसे यही कहूंगा कि एक दफा इस मंदिर में दर्शन जरूर करें आप। आइए, मंदिर के अंदर आपको लेके चलते हैं हम लोग। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
ये गाइस हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। हर हर महादेव, महादेव सबकी मनोकामना पूरी करें, सारे कष्टों का निवारण करें बाबा भोलेनाथ। हर हर महादेव। ये आप दर्शन करिए गाइस कर्मदेश्वर महादेव का, सारे पापों से मुक्ति पानी हो, सारे बुरे कर्मों से मुक्ति पानी हो, पूर्व जन्म के जो भी गलत कार्य हो, जो भी पाप हो आपके, उससे मुक्ति पानी हो, तो एक दफा कर्मदेश्वर महादेव के मंदिर में जरूर दर्शन कराएं, जरूर मत्था टेकाएं गाइस। पीपल का वृक्ष भी है और बरगद का वृक्ष भी है जो कि काफी देखने में अच्छा लगता है, शोभित करता है। ये देखिए गाइस, काफी पुराना ये आपका बरगद का वृक्ष जो है, काफी पुराना है, बहुत ही पुराने टाइम का ये बरगद का वृक्ष देखने से ही प्रतीत होता है गाइस। आप देख सकते हैं ये कुंड की अलौकिक छटा देखिए गाइस। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाएं, बनारसी एक स्पेस ब्लॉगर टाइप करने के बाद सर्च करें, आपको हमारा चैनल मिलेगा बनारसी ब्लॉगर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें गाइस। आई होप आपको वीडियो और ये मेरा दिखाना घुमाना फिराना आपको अच्छा लगता है गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और शेयर कर दें गाइस, ताकि आपके माध्यम से बनारस या बनारस के बाहर रहने वाले और भी जितने दर्शनार्थी हैं या फिर जितने भी लोग हैं वो लोग इसका पुण्य सौभाग्य प्राप्त कर सके गाइस। बनारसी ब्लॉगर में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। आगे फिर कहीं आपको लेके चलूंगा, फिर किसी मंदिर में या फिर कुछ खिलाने या फिर किसी पौराणिक स्थान पर। धन्यवाद गाइस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू सो मच।